बुलेटिन में अब बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। नैब लाहौर ने मियां मंशा को 17 अगस्त को तलब कर लिया। मियां मंशा नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार किए जाते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे राहिल सैयद से। जी राहिल, राहिल से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको यहां पर अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस, नैब लाहौर ने मियां मंशा को 17 अगस्त को तलब कर लिया है। तफसीलात से आगाह करेंगे। राहिल हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल बताइएगा कौन कौन से केसेस जेरे तफ्तीश हैं। जी, मियां मंशा को 17 अगस्त को जो है नैब लाहौर ने तलब किया। मियां मंशा बड़े कारोबारी बिजनेसमैन है जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए उन्होंने लंदन में एक जो है रेस्टोरेंट और बड़ा होटल खरीदा है जिस पर नैब तहकीकात करी है। इसके बारे में ये बताता चलो, इब्तदाई ये वेरिफिकेशन है जिस पर नैब ने तहकीकात का आगाज किया और अब ये मियां मंशा को 17 अगस्त को तलब किया ताकि वो अपने तमाम होटल हैं उसका जो रिकॉर्ड है नैब को काम के हवाले करें ताकि देखा जा सके कि ये जो होटल खरीदा गया मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदा गया या मियां मंशा के पास इसका भी रिकॉर्ड भी मौजूद है। इस हवाले से उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया और 17 अगस्त को जो है मियां मंशा को तलब किया गया है। जी बहुत शुक्रिया राहिल सैयद आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।